हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। और दोस्तों, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि ये फ्लैक्स की मशीन है जिस पर हम लोग फ्लैक्स प्रिंटिंग करते हैं। आपको मैंने पूरा डिटेल में बताया था कि ये फ्लैक्स मशीन कितने की आती है, कैसे काम करता है, लेकिन मैंने ये नहीं बताया था कि इसको हम चलाते कैसे। तो आज की इस वीडियो में आप लास्ट तक बने रहें, क्योंकि मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने जा रहा हूँ कि हम इस मशीन को कैसे चलाते हैं, कैसे रोल लगाते हैं और इसमें क्या सब करना पड़ता है। तो चलिए, वीडियो में बने रहिए लास्ट तक, वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि आपको जिस भी साइड जिसका आपको मीडिया लगाना है वो आपको इजिली इस पे लगा लेना है। अब आपको देख लेना है कि आपका क्या साइज का प्रिंट है, तो उसी हिसाब से आपको मीडिया लगाना है। और यहाँ पर आपको दो बटन भी दिख रहा होगा जिससे आप, यहाँ पर एक तो है ऑटो मैनुअल, एक मीडिया फिटिंग है, तो आप दोनों में से ये जो होता है ये हमारे रोल को टाइट करने के लिए होता है। जैसे मैं इस पे क्लिक करूंगा तो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि ये कैसे अब ये टाइट होने लगा रोल, लेकिन अभी हमें इसे सेट करना है मशीन में। तो मैं यहाँ से इसको रोक देता हूँ और अब यहाँ से मैं इसको सबसे पहले क्या करता हूँ कि मशीन में सेट कर लेता हूँ। तो अब यहाँ पर मैंने इसको दबा दिया और ये ऑटोमेटिक वहाँ से निकल रहा है। बस वहाँ पर आपको ऊपर में पकड़ के रखना पड़ेगा ताकि आप सीधे सीधे इजिली लगा सकते हो। तो अभी ये यहाँ तक मेरा पूरा आज मशीन के साइज तक मैंने पूरा रोक लिया है, आ चुका है। अभी इसको मैं मशीन में फिट करता हूँ। अब यहाँ आपको दिख रहा होगा कि ये मीडिया जो है पूरी तरीके से हमने मशीन में सेट कर दिया। आपको आगे से भी मैं दिखा देता हूँ कि यहाँ पर भी आपको दिख रहा होगा, एक मिनट, आपको अच्छी तरीके से यहाँ पर भी अब आपको दिख रहा होगा कि मैंने मीडिया को जो है मशीन में पूरी तरीके से सेट कर दिया है। अब क्या करना पड़ता है कि पीछे में हमें रोल करना पड़ता है। तो ये मेरे साथ में ये है, तो सचिन इसको रोल करियो, कैसे रोल करना है। तो ये यहाँ पर जो बटन दिया हुआ है इसको ऊपर नीचे करना पड़ता है। और यहाँ पर जो है हमने रोल बना के रखा है, ये मशीन की तरफ से भी आता है, यहाँ ये जो है ये मशीन की तरफ से आता है रोल करने के लिए, लेकिन ये बड़ा सा है तो इसलिए हम छोटे छोटे प्रिंट में ये नहीं डालते। तो हमने मैनुअल बना के रखा है जो कि हम रोल करके इसमें लगा देते। तो ये जो है मेरा मशीन में पूरी तरीके से मैंने सेट कर दिया। और अब हमें क्या करना पड़ता है कि इसको चलाना पड़ता है। चलाने से पहले आपको सब कुछ को देखना पड़ता है। यहाँ पर जो है ये हीटर है, इसको चलाने से क्या होता है कि ये गर्म होता है और गर्म होने के बाद जो हमारा जो प्रिंटिंग होता है वो जल्दी सूख जाता है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है कि इस हीटर को ऑन करना पड़ता है। तो यहाँ पर मैंने इसको ऑन कर दिया है। अब क्या करना पड़ता है आपको कि यहाँ पर दो पत्ती दिया हुआ रहता है, इस पत्ती को जो है हमें इस फ्लैक्स पर चढ़ाना होता है ताकि ये इधर उधर ना भागे, प्रिंटिंग जो हो वो बीच में होता रहे, कहीं भी हमारा प्रिंटिंग बगल अगल या साइड वाइड में नहीं भागे। इसके लिए हम क्या करते हैं कि दोनों तरफ से पत्ती को फ्लैक्स पर चढ़ा देते हैं। अब तीसरा काम हमारा क्या है कि यहाँ पर हम जो आपको जो यहाँ पर स्केल की तरह दिख रहा होगा, यहाँ पर हम ये चीज़ देखते हैं कि हमारा जो प्रिंटिंग है वो हम कहाँ से प्रिंटिंग करना चाहते हैं। हमें मार्जिन भी देना पड़ता है, तो उस चीज़ को देख कर हम क्या करते हैं कि यहाँ से जो है वो चीज़ को यहाँ पर लाते हैं कि हमें कितना मार्जिन दे के प्रिंटिंग करना है। तो यहाँ से हम देख लेते हैं, जैसे कि अभी हमें यहाँ से प्रिंटिंग को चलाना है, इतना हमें मार्जिन देना है और यहाँ से हमें जो प्रिंटिंग करना है। तो यहाँ से मैं इसके ऊपर आऊंगा, यहाँ से देख लूंगा, तो 210 यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, यहाँ से गिनती मार लो तो 217। तो अब यहाँ पर जो मैं मार्जिन देना है 217 देना है, तो हमारी प्रिंटिंग जो है ये यहाँ से लेगा और इतना मार्जिन आ जाएगा। लास्ट, ये तो हमारा तीसरा काम हो गया। चौथा काम हमारा होता है, सबसे पहले अब हमारा काम होता है ये वैक्यूम का। ये जो है ये हमारा वैक्यूम है। अब ये हमारा वैक्यूम है, इसको हमें क्या करना पड़ता है कि ऑन कर देना होता है। जैसे हम इसको ऑन करेंगे तो हमारा जो वो फ्लैक्स है वो इस मशीन में जो है पूरी तरीके से चपक जाएगा। फिर जो है जब हमारा मशीन चलेगा तो वो फ्लैक्स बीच से उठेगा नहीं, वो पूरी तरीके से दबा हुआ रहेगा इस मशीन पे। जैसे अभी आपको यहाँ पर दिख रहा होगा वो पूरी तरीके से दब चुका है। उसके बाद जो हमारा काम है, उसके बाद आपको आ जाना अपने कंप्यूटर के स्क्रीन पर और आपको यहाँ से अपना जो भी आपने फाइल बना रखा, जो भी आपको प्रिंट निकालना है वो आपने तो पहले से ऑलरेडी बनाकर रखा होगा। तो आपको यहाँ से जो आपने जिस भी कैटेगरी में फाइल बना रखा होगा, जैसे मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ, यहाँ पर आप उसकी साइज प्रॉपर्टी जितना भी है सब कुछ आप इसको इजीली देख सकते हो। ये जो मेरा टाइप है ये टिप फोल्डर बना हुआ है, यदि आप जेपीजी या जो भी कुछ बनाते हो आप उस हिसाब से अपने जिस भी आपके कंपनी में या आपके ऑफिस में जिस भी तरीके का वर्क होता है, जहाँ भी सबके कंपनी में अलग अलग तरीके का फाइल बनता है, तो मेरे कंपनी में ये टिप फोल्डर बन के आता है या आप में जेपीजी बन के आता है, वो आप अपने कंपनी के अकॉर्डिंग देख सकते हो। तो मेरा जो ये फाइल है, मैं इसको क्या करना पड़ेगा कि मैं यहाँ से इसको कॉपी कर लेता हूँ। अब आपको मैं यहाँ पर एक नॉर्मल चीज़ बता दूँ कि जब भी आप ये प्रिंटिंग का काम करते हो तो इसमें आपको दो सॉफ्टवेयर का यूज करना पड़ता है, जो कि एक पहला जो है मैं ये यहाँ पर आपको दिख रहा हूँ ये मेंटोप है। इसमें क्या करना पड़ता है कि हमें फाइल को रिपिंग करना पड़ता है। तो इसमें जो है ये हमारा मेंटोप है जिसमें हम क्या करते हैं अपने फाइल को तैयार करते हैं। और यहाँ से मैं पहले अब इस अरेंज वाले आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, हमें यहाँ पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर जाके मैं इसको क्या कर दूंगा कि पेस्ट कर दूंगा। तो फाइनली मैंने इसको यहाँ पर पेस्ट कर दिया। अब मैं इस प्रिंट को क्या करूँगा कि रिपिंग करूँगा। यहाँ पर इस फाइल को मैंने खोल लिया है। अब यहाँ पर मैं आ जाता हूँ इस वाले ऑप्शन पर, इस ऑब्जेक्ट वाले ऑप्शन पर, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, तो मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ।
अब यहाँ से मैं प्रॉपर्टी पे आ जाता हूँ और यहाँ से जो आपको ये पास कर रेजुलेशन का ऑप्शन दिख रहा होगा मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। अब यहाँ पर ये मैं आपको दिखा देता हूँ, ये जो चीज़ होती है ये चीज़ मैं आपको दिखा दूँ कि ये आपको अपने अकॉर्डिंग इसको सेलेक्ट करना पड़ता है कि आपका जो फाइल है वो हमारे यहाँ चार क्वालिटी में फ्लैक्स आती है, तो हम अपने क्वालिटी के हिसाब से जो जिस तरीके का फ्लैक्स होता है हम उस तरीके से यहाँ पर जो है उसको रेगुलेशन को सिलेक्ट करते हैं। अब आपको अपने अकॉर्डिंग हिसाब से देखना है कि आपकी कंपनी में कितने तरीके का फ्लैक्स आता है और आप किस पास पे उसको कितनी अच्छी क्वालिटी में चलाना चाहते हो। हम जो नॉर्मल प्रिंट चलाते हैं वो इसी पास पे चलाते हैं, ये जो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा ये हम नॉर्मल प्रिंट सारे इसी पे चलाते हैं, और हमारे पास यदि कोई स्टार का प्रिंट आता है तो हम ये ऊपर वाला में ये जो 360 540 दिख रहा होगा तीन पास हम इस पे चलाते हैं। तो वो आपको अपने अकॉर्डिंग हिसाब से देखना है कि आपके ऑफिस में कितने तरीके का फ्लैक्स होता है, कितने तरीके कितने टाइप का आपके ऑफिस में फ्लैक्स का यूज होता है। हमारे ऑफिस में जो कम से कम 4-5 तरीके का फ्लैक्स आता है और हम अपने हिसाब से अपने अकॉर्डिंग के हिसाब से यहाँ पर जो रेजुलेशन को सेट करते हैं। तो अभी मैं तो अपने यहाँ ये वाला जो आपको दिख रहा होगा मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया। अब मैं यहाँ से यहाँ पर जो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा इसका जो लाइटनेस है वो 1.2 है। अब आपको ये भी अपने ही अकॉर्डिंग हिसाब से देखना है कि आप इसका लाइटनेस कितना रखना चाहते हो। खैर मैं यहाँ पर 1.2 भी करता हूँ, 1.5 भी करता हूँ। यहाँ पर जो आपको ये दिख रहा होगा मैं यहाँ पर वो फ्लैक्स के हिसाब से देख लेता हूँ या कलर के हिसाब से देखता हूँ। यदि ब्लैक है तो उस पर थोड़ा लाइटनेस जो है कम कर देता हूँ, और यदि वो कोई और कलर रहता है तो मैं उसमें बढ़ा देता हूँ फिलहाल। लेकिन मैं अभी इसको 1.2 ही रखना चाहता हूँ। अब यहाँ पर ये ऑटो सेट पेयर दिख रहा होगा, मैं इस पर 2-3 बार क्लिक कर देता हूँ। फिर यहाँ से ओके पर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ आपको नीचे हम दिख रहा होगा प्रिंट टू फाइल, आपको इस पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको इस प्रिंट को सेव कर लेना है। अब सेव करने के लिए आप कुछ भी नाम दे सकते हो या फिर ये जो प्रिंट का नाम है आप इस नाम से भी सेव कर सकते हो। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा नीचे में आप इस नाम से भी सेव कर सकते हो, या आपको और कोई दूसरा नाम भी देना हो तो आप दूसरे नाम से भी सेव कर लेते हो। तो खैर मेरा जो प्रिंट है मैं इसी नाम से सेव करना चाहता हूँ। मेरा जो प्रिंट है ये 4-3 का है, ये नीचे वाला है, तो मैं इसको सेव कर लेता हूँ। तो ये फिलहाल मैंने इसको सेव कर लिया है। अब सेव करने के बाद यहाँ से जो है आपको अब दूसरा जो सॉफ्टवेयर होता है इसका जो जहाँ से हम प्रिंटिंग करते हैं, तो ये सॉफ्टवेयर होता है प्रिंटिंग मैनेजर। यहाँ पर आपको ये सॉफ्टवेयर दिख रहा होगा ये जो नीचे में, ये प्रिंटिंग मैनेजर है। और ये सॉफ्टवेयर ही इसी सॉफ्टवेयर से हम क्या करते हैं कि अपने जितने भी फ्लैक्स होते हैं उन सारे को हम इसी सॉफ्टवेयर से हम प्रिंटिंग करते हैं। और ये हमारा जो सिस्टम होता है वो हमारे मशीन से क्या होता है कि अटैच होता है, जब भी हम यहाँ पर प्रिंटिंग देते तो वो हमारी मशीन पर चलना शुरू हो जाता है। अब यहाँ से आपको करना क्या है कि मैंने आपको दिखाया भी था कि वहाँ पर हमने दो पास वाला सेटिंग जो रेगुलेशन है दो रेगुलेशन वाले लिया था, और यहाँ पे हमें जो है ये पासेज होता है और ये भी आपको अपने अकॉर्डिंग के हिसाब से ही यहाँ पर सेलेक्ट करना पड़ता है कि आपका किस तरीके का फ्लैक्स है, आप कितने क्वालिटी में निकालना चाहते हो, कितने अच्छे पास पे निकालना चाहते हो, या आपका नॉर्मल फ्लैक्स है या स्टार फ्लैक्स है। वो फ्लैक्स के ऊपर भी डिपेंड करता है कि आपका फ्लैक्स किस क्वालिटी का है। तो इसलिए मैं फ्लैक्स के ऊपर भी एक अलग से वीडियो बनाऊंगा कि हमारे ऑफिस में काफ़ी तरीके का फ्लैक्स आता है, तो मैं उस पर भी आपके लिए एक अलग से वीडियो बना दूंगा। तो खैर अभी यहाँ पर मेरा 4 पास सेलेक्ट हुआ है और यहाँ पर जो है मार्जिन ऑलरेडी सेट हुआ है जो मैंने आपको वहाँ इससे पीछे इससे आप स्किप करके भी पीछे जा सकते हो, और मैंने आपको बता भी दिया था कि हमें मार्जिन कैसे सेट करना पड़ रहा है। तो मैंने यहाँ पर वो जो मार्जिन आप वहाँ मशीन में देखोगे और यहाँ पर आपको जो है वो मार्जिन को आपको यहाँ पर टाइप कर देना है। सब कुछ मेरा ये हो चुका है। अब हमें क्या करना है कि प्रिंट करना है। तो प्रिंट करने से पहले हम क्या करते हैं कि यहाँ आपको ये प्रिंटिंग ऑप्शन दिख रहा होगा, ये आपको यहाँ पर दिख रहा होगा ये वाला जो आपको दिख रहा है प्रिंटिंग जॉब। जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा ये मेरा जो है वहाँ पर चलने लगेगा, लेकिन चलने से पहले हमें क्या करना पड़ता है कि जिस अभी जो हमने जिस फाइल को रिपिंग किया है उस फाइल को पहले हमें लेना पड़ता है। तो ये आपको प्लस का ऑप्शन दिख रहा होगा, इस कोने पर हमें यहाँ पर क्लिक करना पड़ता है और आपका जो भी फाइल है उसमें से आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना पड़ता है। मेरा ये 4-3 का प्रिंट था, मैंने आपको दिखाया भी था, तो मैं यहाँ से इसको डबल क्लिक करके यहाँ से इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। और यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि ये मेरा ये जो फाइल है ये मेरा आ चुका है, मैंने इसी को अभी रिपिंग किया था, अब इसी को मैं चलाऊँगा। अब मैं क्या करता हूँ कि यहाँ जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा तो वो मेरा मशीन पर चलना शुरू हो जाएगा। तो चलिए मैं यहाँ पर इसको क्लिक कर देता हूँ। ये मैंने इस पर क्लिक कर दिया है और यहाँ आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा कि ये मेरा प्रिंट स्टार्ट हो गया है और यहाँ पर मेरा प्रिंटिंग ये ले चुका है और यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये प्रिंटिंग हो रहा है। अब ये 4-3 का प्रिंट है और ये मेरी जो मशीन है ये काफ़ी फास्ट निकालती है और इसको जो है कम से कम 2 मिनट के अंदर अंदर ये 4-3 के प्रिंट सॉरी 2 मिनट कह रहा हूँ 1 मिनट के अंदर अंदर ये प्रिंट निकाल के मेरे को दे देगा ये प्रिंट। इस मशीन की स्पीड भी बहुत ज़्यादा फास्ट है। अभी मैं आपको सब कुछ दिखा दूँगा ये प्रिंट देखना कितने टाइम में हो जाता है।
एक बार मैं आपको इसके पीछे का भी दिखा देता हूँ कि ये कैसे रोल यहाँ पीछे में खुल रहा है। यहाँ आपको दिख भी रहा होगा, ये ऑटोमेटिक है। यहाँ से ये जो दो बटन है आपको सेटिंग करना पड़ता है, ये नीचे वाले बटन को नीचे और ये ऊपर वाला बटन ऊपर कर देने से आपका जो ये रोल है ये ऑटोमेटिक हो जाता है, फिर वो ऑटोमेटिक खुलता रहता है। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये मशीन, ये प्रिंटिंग हो रहा है मेरा। और इस मशीन के साथ आपको फैन भी दिया होता है ताकि आप अपने फ्लैक्स को जल्दी सुखा सको। तो अब जब मेरा प्रिंट ये नीचे आ चुका है तो मैं इसको क्लिक कर देता हूँ। अब यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये फैन चालू हो चुका है। अब ये मेरा प्रिंट जैसे ही निकलेगा वैसे ही हाथ का हाथ ये सूख भी जाएगा। इसको सूखने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसको सुखाने के लिए हमें अलग से कुछ नहीं करना पड़ता है। डायरेक्ट आप यहाँ से क्लिक कर दो फैन, आपका फ़ैन चलना शुरू हो जाएगा। और वहाँ आपका हीटर लगा हुआ है, आप हीटर भी चला दोगे तो वो फिर तुरंत ही सूख जाएगा। आपका प्रिंट जैसे ख़त्म होगा वैसे ही सूख जाएगा। आपको यहाँ दिख रहा होगा मेरा प्रिंट पूरी तरीके से निकल चुका है और ये एक मिनट भी नहीं लगा, एक मिनट से भी कम ही लगा है। आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि ये मेरा फ्लैक्स पूरी तरीके से निकल कर तैयार हो चुका। और ये इसका साइज मैं एक बार फिर आपको बता दूँ, 4x3 का फ्लैक्स था, एक मिनट में इसने निकाल के तैयार कर दिया है। आपको यहाँ से पूरा दिख रहा होगा मशीन। और हमें यहाँ से कुछ नहीं करना पड़ता है, बस मशीन में बस इतना ही करना पड़ता है। और भी कुछ है जो आपको फ्लैक्स के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है कि आपके कंपनी में कितने तरीके का फ्लैक्स आता है, तो आपको अपने अकॉर्डिंग देखना पड़ेगा। अब मैं इसको यहाँ से जो डाउन बटन है यहाँ से मैं क्या करूँगा कि यहाँ प्रेस करूँगा और वहाँ से जो मेरा फ्लैक्स वो नीचे आएगा। तो चलिए मैं यहाँ प्रेस करता हूँ, वहाँ आपको दिख रहा होगा। या अब जहाँ से मैं उस फ्लैक्स को कट करूँगा, मैंने उतने पे ले आया, अब मेरे को यहाँ से जो इस फ्लैक्स को कट करना है तो मैं यहाँ से इसको कट कर दूँगा और इसको मैं अपने जो भी पार्टी है जिसका भी ये फ्लैक्स है मैं उसको पकड़ा दूँगा। तो फाइनली ये जो मेरा है ये काम पूरा हो चुका है। और आप भी अपने कंपनी में बिल्कुल ऐसे ही फ्लैक्स प्रिंटिंग कर सकते हो यदि आपका भी ऐसा ही मशीन होगा तो। लेकिन मैं आपको यहाँ पर एक बात बता दूं कि यदि आपका मशीन दूसरी कंपनी का होगा तो आपको उसमें घबराने वाली बात नहीं है, प्रोसेस बिल्कुल यही रहेगा, बस तरीका थोड़ा सा अलग होगा कि उसमें कुछ और करना पड़ेगा। बाकी जैसा इसमें किया हूँ मैंने बिल्कुल सेम वैसा भी आपको दूसरे मशीन में भी करना पड़ेगा। बाकी जितना इसमें हुआ है सब कुछ आपको वैसा ही उसमें भी करना है। और यदि आपने मेरी पिछली वाली वीडियो नहीं देखी तो आपको ऊपर आई बटन में लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से भी देख सकते हो। और मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा फ्लैक्स के ऊपर कि हमारी कंपनी में कितनी तरह की फ्लैक्स आती है, तो मैं उस पर भी एक वीडियो बहुत जल्द लाऊंगा। तो तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। आप इस वीडियो को देख सकते हो, इन्जॉय कर सकते हो और आपको मैंने आई बटन में दूसरी वीडियो का लिंक दिया उसको भी जाकर देख सकते हो। तो तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।